हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। इससे पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेस है वो क्लास 9th में कवर कर चुकी हूँ, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज की इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्लास 10th में सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क्स से लेकर 4 मार्क्स तक आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम पेपर्स में। इसीलिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के वीडियो में मैं इसका बेसिक और कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो इसलिए आज का वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें ये वाली लाइन जो होती है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश। अब ये कौन सा पॉइंट है? हमारा ओरिजिन पॉइंट है। अब लेट अस सी, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। लेट अस सी, एक पी है, एक क्यू है, नाम दे दिया। अब मुझे ये पी क्यू का जो ये डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। अब पी के मैं कोऑर्डिनेट्स मान लेती हूँ, लेट अस सी एक्स वन वाई वन, और क्यू वन क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे क्यू एक्स टू एंड वाई टू, लेट अस सपोज। अब मुझे पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वो कैसे कर सकती हूँ? बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। पी क्यू यहाँ पर लिखा, अब इसका फॉर्मूला राइट हैंड साइड पे रूट ऑफ। अब क्या करूँगी मैं, इसमें से इसको माइनस करूँगी, x2 में से x1 या फिर x1 में से x2, यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक्चुअली इट डजेंट मैटर कि x1 पहले आए या x2 पहले आए, क्योंकि ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है, तो जो भी आएगा अंदर, चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए कोई मैटर नहीं करता, आप जिसको मर्जी जिससे मर्जी माइनस कर सकते हैं। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है, x को x कोऑर्डिनेट के साथ माइनस करना है और y को y कोऑर्डिनेट के साथ माइनस करना है। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें हम कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हों, हम ईजिली उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं फर्स्ट एग्जांपल पे। ये हमें कोई 2 पॉइंट्स गिवन है, P एंड Q, ठीक है। इनके दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज़ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप कन्वीनियंस के लिए इनके नीचे लिख लीजिए कि ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करिए। हमें लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखना है, पी क्यू। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज़ x2 माइनस x1। मैं कौन सा लगा रही हूँ, x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। अब बीच में क्या है, माइनस, फिर से क्या आएगा, माइनस सिक्स, और उसका होल स्क्वायर प्लस हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देन y2 माइनस y1, माइनस फाइव माइनस सेवन का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस वन प्लस सिक्स, माइनस वन प्लस सिक्स वी गेट फाइव का होल स्क्वायर प्लस माइनस ट्वेल्व का होल स्क्वायर। फाइव का स्क्वायर 25, माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर, माइनस ट्वेल्व इंटू माइनस ट्वेल्व, दैट इज़ 144। हमेशा यहाँ पर कोई कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि होल स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। दोनों को प्लस किया, वी गेट्स 169, और 169 13 का स्क्वायर रूट होता है। तो पी क्यू के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है, दैट इज़ 13 यूनिट्स। आपको हमेशा पीछे यहाँ पर यूनिट्स लिखना है क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पॉइंट तो गिवन है, दूसरा पॉइंट क्या गिवन है, ओरिजिन। अब ओरिजिन का हमें ऑलरेडी पता है कि उसका पॉइंट क्या होता है, 0 0, यह खुद से अंडरस्टूड है। अब हम इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस सपोज इसका नाम रख लिया हमने Q, तो पी क्यू के बीच में डिस्टेंस क्या आएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। आप पहले इसको नाम कर दीजिए, x1 y1, x2 एंड y2, ठीक है। x1 माइनस x2 कर रही हूँ, 20 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, दैट इज़ 400 प्लस 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 225।
इन दोनों को प्लस करेंगे तो विल गेट 625 और ये किसका होता है 25, दैट मीन्स 25 यूनिट्स आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह से आपको किसी भी तरह से मोल्ड अप करके दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए दिया जा सकता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी पे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दे रखी है, दो पॉइंट्स गिवन है 2, y और -4, 3, बट इनके बीच में ऑलरेडी डिस्टेंस कितना दे रखा है 10, और ये आपके वाई जो वो कोऑर्डिनेट है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं अपने, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, इनको नेम कर देते हैं, ठीक है, ए एंड बी, यानी कि ये जो ए बी का डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, दैट मीन्स ए बी का डिस्टेंस 10 यूनिट्स गिवन है आपको। ये चीज़ ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसको नेम कर दीजिए x1, y1, x2 एंड y2। अब हम फॉर्मूला पुट डाउन कर रहे हैं। फॉर्मूले में हमारे पास इधर डिस्टेंस गिवन है 10 ए बी का, रूट ऑफ x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 वो आपके विषय है। x1 माइनस x2 कर रही हूँ मैं, 2 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ये सजेस्ट करूँगी, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, हमेशा कोशिश करिए कि y माइनस 3 बने, 3 माइनस y करोगे तो खुद को आपको कन्फ्यूजन होगी, वैसे तो उससे भी सॉल्व हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सजेशन यही रहेगा कि ईजी करने के लिए आप हमेशा x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 लगाने की कोशिश करिए। यहाँ पर अगर सपोज करिए यहाँ पर y या x होता, कुछ भी होता और वेरिएबल ढूंढने के लिए, तो आप फिर उल्टा फॉर्मूला लगाते, तो फॉर्मूले को अपने अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट 10। अब यहाँ पर 2 प्लस 4 माइनस माइनस हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36। अब यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी, यहाँ पर अब बेसिक फॉर्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर, वो क्या होता है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर, y का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y अप्लाई हो गया। अब ये जो स्क्वायर रूट है हमें हटाना है, जब हम इसका स्क्वायर रूट हटाने की कोशिश करेंगे इस साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब हम करेंगे तो 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यानी कि वी आर लेफ्ट विद 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, ये हमारे पास बच गया। अब यहाँ से क्या आ गया 100, ठीक है, इज इक्वल्स टू 45 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। अब इस 100 को मैं उधर ले जाती हूँ, इधर मैंने 0 बना लिया, अब इस 100 को इधर ले गई तो 45 माइनस 100 दैट इज 55 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, तो ये हमारी क्या बन गई है अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं 11y प्लस 5y माइनस 55, क्यों, क्योंकि 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो वील गेट 55 एंड 11 में से 5 माइनस करो तो वी विल गेट 6, ठीक है। अब y कॉमन निकाल लिया, इसमें से 5 कॉमन निकाल लिया तो यू विल गेट y प्लस 5 एक फैक्टर और एक फैक्टर आपको मिलेगा y माइनस 11, तो यानी कि एक y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5 और दूसरे y की वैल्यू कितनी आ गई 11, तो ये आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑर्डिनेट गिवन है ऑफ अ पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस इज 5 एंड बी हैज़ कोऑर्डिनेट्स, तो मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए रखे हैं, आपको वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर लाई करने का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा 0 होगा, यानी कि पॉइंट क्या बन गया 0, 5, बस ये डिटर्मिन करना था आपको इसमें। और बी का पॉइंट ऑलरेडी आपको गिवन है -3, 1, अब आप सिंपल क्या कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली हम अप्लाई कर रहे हैं x1, y1, x2 एंड y2, ठीक है। अब क्या करेंगे, -3 -0 यानी कि x2 माइनस x1 लगाया है मैंने, प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16, क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करके विल गेट 25 और
हमें क्या मिल जाएगा, 5 यूनिट्स, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। डिटर्मिनेशन कहाँ करनी थी, सिर्फ यहाँ पर। अगर ये पॉइंट पता चल जाता है किसी तरह से तो आप बहुत ही इजी वे से इसको निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए 5.12 फ्रॉम वाई एक्सिस। अब एक पॉइंट तो हमें ऑलरेडी गिवन है 5.12, दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और कहाँ से है, वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से है दैट मीन्स एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलरली आपका कौन सा डिस्टेंस है वाई का, 12, तो बी का पॉइंट हो गया 0.12। अब आप इजीली निकाल सकते हैं। इजीली कैसे निकालेंगे आप, ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 5-0 यानी कि x1-x2 प्लस y1-y2 दैट इज़ 12-12 दैट इज़ 25 प्लस 0, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 12-12 0, 25 का स्क्वायर रूट यानी कि 5 यूनिट्स आपका रिक्वायर्ड आंसर है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वाई एक्सिस से, दैट इज़ 5 यूनिट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सबसे पहले टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर उसका बेसिक और काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो कैसी भी फॉर्म में आता है, वो डिस्कस करूँगी। इसीलिए कोई भी वीडियो ना मिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। और अगर आज का वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर कोई आपको डाउट आता है इन केस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर वो क्वेश्चन पुट डाउन कर पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे।